दार्जिलिंग जाने के क्रम में आज राज्यपाल महोदय ने कुछ पल के लिए मालदा स्टेशन पर समय बिताने के लिए उत्तर मालदा के सांसद खंगेन मुर्मू और अन्य लोगों द्वारा मालदा स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि दार्जिलिंग जाने का मतलब राज्य के बाहर जाना नहीं है बल्कि राज्य के एक हिस्से में जाना है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोरखालैंड पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ वे वर्तमान में हो रहा है। इसका सजग उदाहरण जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना, अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होना, तो उत्तर बंगाल की सभी समस्याओं का हल क्यों नहीं किया जा सकता। इसलिए वे पूरी तैयारी के साथ होमवर्क करके दार्जिलिंग जा रहे हैं। नवबारा समाचार मालदा पश्चिम बंगाल से राजेश कुमार जैन की रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे एंड रेलवे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अवर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी इज डूइंग मच फॉर अस एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म द एरिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर। ट्रेन का सफर कैसा रहा? सफर कैसा रहा सर? लोगों पश्चिमा माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। We have had a great festive season. बहुत ही संकट के हालात, कोविड ने इस बार हमारी फेस्टिविटीज के ऊपर काफी अंकुश लगाया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्देश देकर हालात को काफी काबू में किया है। पूजा में कोई कमी नहीं आई है, फेस्टिविटी में कुछ कमी आई है। बहुत लोगों ने जो क्रिएटिविटी करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं, उनको हताशा मिली। अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार दुगने जोश के अंदर मनाई जाएगी। तब कोविड नहीं रहेगा, कोविड का संकट विश्व पर है, देश पर है, प्रांत पर है। आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, लापरवाह मत हुई, थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। मैं मेरी नॉर्थ बंगाल की यात्रा को एक पिलग्रिमेज मान रहा हूं। पश्चिम बंगाल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, नॉर्थ बंगाल में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नॉर्थ बंगाल की प्रतिभा का, टूरिज्म का, इकोनॉमी का, वहाँ के ट्रेड का भरपूर एक्सप्लोइटेशन होगा, लोगों को बहुत राहत मिलेगी। बहुत सुंदर इलाका है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। कुछ इश्यूज हैं, लंबे समय से इश्यूज हैं, पर देश बदल रहा है, दुनिया देख रही है कि देश बदल रहा है। जो 70 साल में सोचा नहीं वो संभव हुआ है। क्या किसी ने सोचा था भारत के संविधान से आर्टिकल 370 हटेगा? नहीं सोचा था। आज के दिन वो नहीं है, मतलब एक दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, देश बदल रहा है, दुनिया देख रही है भारत बदल रहा है। वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर नेशन फर्स्ट। और नॉर्थ बंगाल की भी जो कुछ समस्याएं हैं उनका दूरगामी दूरदृष्टि से निराकरण निश्चित होगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं। जो गोरखालैंड का डिमांड है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी बात तो सुनने पहले यदि अगर आप पत्रकार होकर एक सकारात्मक धारा को नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी बात को यदि आप नहीं समझते कि 370 के बारे में कल्पना की थी, सोचा था कभी? कहते थे नहीं होगा, हुआ, दुनिया ने देखा और गले से आसानी से उतर गया। राम मंदिर के बारे में कितनी भ्रांतियां थी, कितने मुद्दे उठाए जाते थे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक मत से हुआ कि नहीं हुआ, पांचों न्यायाधीशों ने दिया, सबके गले उतरा। जो प्रश्न करते थे तारीख कब बताओगे, आज वो प्रश्न जिंदा है क्या? हुआ।
हर चीज के लिए एक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखते हुए मेरी शपथ क्या है, टू प्रोटेक्ट डिफेंड एंड प्रिजर्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात को ध्यान से रखिए, समस्या का निराकरण निश्चित है, समस्या का निराकरण होता रहा है। आज किनके चर्चा कर रहे हैं हम, आज किनके बारे में बात कर रहे हैं? लोकप्रिय सरदार पटेल कितने कष्टदायी स्थिति में उन्होंने कार्य किया था, सफल हुआ, कुछ बचा वो पूरा हो रहा है, होगा। मैं पहले भी नॉर्थ बंगाल 3 बार जा चुका हूँ, पर दार्जिलिंग पहली बार जा रहा हूँ। दार्जिलिंग जाना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दूसरी जगह जाना नहीं है, दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का राजभवन है। मैं मेरे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रहा हूँ, दैट इज वाई आई कॉल इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिलग्रिमेज टू नॉर्थ बंगाल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वहां का जो पोटेंशियल है, जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो देश और दुनिया में हमें नाम दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा, लोगों से करूंगा, टी गार्डन के वर्कर से करूंगा, टी गार्डन में स्टेक होल्डर से करूंगा। वहां का टूरिज्म कैसे बढ़े, कनेक्टिविटी कैसे आगे जाए, लोगों का मन यदि किसी बात के लिए चिंतित है, वो उद्वेलित है, वो रास्ता चाहते हैं, उनकी बात को समझा जाएगा, सामान्य आदमी से समझा जाएगा, इंटेलेक्चुअल से समझा जाएगा, कल्चरल गहराई से देखूंगा। चांसलर होने के नाते बहुत से विश्वविद्यालय हैं, उनके वाइस चांसलर से चर्चा करूंगा। मैं बहुत बड़ी उम्मीद, तैयारी और होमवर्क के साथ जा रहा हूं, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, थिंग्स विल चेंज। ऐसा कोई कदम प्रांत में नहीं हो सकता जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, जो संविधान के विपरीत है। क्यों? यदि अगर आप कानून के खिलाफ काम करेंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, तो देश और प्रांत में डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते पहले हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं सबसे, खास तौर से सरकारी अधिकारियों से, बड़े सरकारी अधिकारियों से, प्लीज बी पब्लिक सर्वेंट्स, डोंट बी पॉलिटिकल सर्वेंट्स। यू कैन नॉट बी अलाउड टू बी पॉलिटिकल सर्वेंट्स, योर कॉन्डक्ट डज नॉट अलाउ यू टू बी पॉलिटिकल सर्वेंट्स। द मोमेंट यू बिकम पॉलिटिकल सर्वेंट्स, यू कमिट मेजर मिसकॉन्डक्ट, और आप डेमोक्रेसी की आत्मा पर बहुत बड़ा कुठारा घात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट का चोला पहनकर पॉलिटिकल काम करना। ऐसा मेरी आंखों के सामने हो रहा है। कुछ लोग तो समझ गए हैं, कुछ समझने में देरी कर रहे हैं। जो देरी कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया द लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल कैच अप विद देम, एंड आई एम श्योर अबाउट। ऐसे मौके पर मैं और कोई प्रश्न करना जरूर नहीं समझता, पर चूंकि मैं हूं यहां पर, आई विल टेक 3 क्वेश्चन। गोरखालैंड के बारे में, दिल्ली दार्जिलिंग जा रहा है, गोरखालैंड का डिमांड बहुत पुराना है, क्या बोलेंगे इस बारे में? यही सवाल है, यही सवाल। और एक कोई क्वेश्चन? देश के अंदर 70 साल में मैंने कहा बहुत बड़ी बड़ी समस्या रही, लोगों ने सोचा नहीं था कि क्या उन समस्याओं का निराकरण होगा। एक समय था जब लोग नाउम्मीद हो गए थे, और मैंने आपको दो ठोस उदाहरण दिए, आर्टिकल 370 का उदाहरण दिया, आपने देखा होगा 3 दिन में क्या हुआ है।
लद्दाख में, जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, वहाँ पर हम जमीन खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं कि नहीं? सोचा था कभी? 370 विलोपित हो गया राम मंदिर का हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, एक ही माध्यम है, कॉन्सेंसस, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड डेलिब्रेशन। पर मेरे मन में कोई शंका नहीं है, पुलिस थाने में FIR दर्ज हो सकती है, इनकम टैक्स असेसमेंट नहीं हो सकता, है कोई फर्क इसमें? और इनकम टैक्स वाला FIR दर्ज नहीं कर सकता, मतलब हर किसी का कार्य क्षेत्र विभाजित है। जो समस्या है, जिसके डायमेंशंस हैं, जिसके कंटूर्स हैं, उसका समाधान कौन कर सकता है? ये सामान्य मानवीय को पता है। मुझे इनकम टैक्स असेसमेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाऊंगा, मैं मामले को समझूंगा, दिल से समझूंगा, दिमाग से समझूंगा, भावना से समझूंगा, कल्चरल गहराई से समझूंगा, और उसके बाद यथाशक्ति निर्णय और निर्णायक स्थिति की ओर आगे बढ़ने का एक रास्ता, मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, फिर कभी आऊंगा यहाँ, पत्रकार बंधुओं से ज्यादा चर्चा करूंगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने प्रथम सेवक से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं, मैं उस दिन की तलाश में हूँ, बिना डर के, बिना भय के, बिना परेशानी मोल लिए हुए, बिना इसकी चिंता किए हुए कि दरवाजे पर कौन दस्तक देगा। क्या ये प्रश्न आप पूछ पाएंगे जिनसे आप पूछना चाहेंगे? जिस दिन वो होगा, मुझे राजनीति के अंदर वो डेमोक्रेसी में एक सुधारवादी बातें नजर आएंगी। जिस इलाके में मैं बैठा हूँ, मेरे लिए चिंता का कारण प्रांत में बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारियों को ले लिया, पुरकाश्ता स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर, ये वन अदर सीनियर IPS ऑफिसर रिटायर्ड, प्रिंसिपल एडवाइजर इंटरनल सिक्योरिटी। क्या हो रहा है? कहाँ तंत्र है? अलकायदा कौन फंसा रही है? अरेस्ट हो रहे हैं, जो बाहर अरेस्ट हो रहे हैं उनके कार तंत्र यहाँ से मिले हुए हैं। बताइए, कोई सप्ताह गुजरता है जब इल्लीगल बूम मेकिंग के यूज से किसी की मौत न हुई हो, किसी घटना में फ्रीली बम नहीं फैलाए जाते? निकलता है क्या कोई सप्ताह? निकलता है जब बर्बरता का तांडव नृत्य नहीं दिखाई देता हो, पॉलिटिकल किलिंग्स का? ये सब अपना, मैं जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि वी कांट अफेयर पोल्स, वी शैल अफेयर पोल्स, कम वोट में वी विल अफेयर पोल्स, वी विल वायलेंस फ्री पोल्स। अब ऐसी स्थिति नहीं करने देंगे कि सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर, चाहे पुलिस स्टेशन हो, राजनीतिक काम के लिए।